अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी का आमिर जन के और एक नए वीडियो में। आज की टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और ये रहेंगी ब्लैक मैजिशियन के जो चीज़ें रहते ना कुंडी वगैरह उनको अनवील करना। यूजुअली इसको स्पिरिचुअल हीलर्स करते जिनका नाम है राखी, नॉट ब्लैक मैजिक से लोग पता करते, बट लोगों के ख्वाब से लोगों को एक तरीके से मदद करते हुए जब पॉइंट्स पता चल जाते तो ये लोग अनवील करते। और कुछ आज हम ऐसे वीडियोज़ देखेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान में अजीब अजीब किस्म के ब्लैक मैजिक मैजिशियंस करते रह रहे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और जिधर भी आप देख रहे हो शेयर ज़रूर करना। इसको शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। एंड में ये भी बोलूंगा मैं कि हाउ टू स्पॉट अ ब्लैक मैजिशियन की भी वीडियो मैं डालूंगा, जिधर एक शख्स ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि एक मैजिशियन को कैसे स्पॉट कर सकते हैं। तो वो भी वीडियो के एंड में आपको कैसा भी बता दूंगा। तो वक्त ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। Dolls wale shit, it's all here. Curses fly powered by wing of bat, powered by wing of bat, bat ka wing jo bhi use karte hain log kali cheezan use karte, kali murgi, kala bakra, tongue of pig, witches bind hexes in black ribbon, alligator bhi ready for burial in a human grave. Curses like these are all too familiar to Dr. Zavaleta. आप लोग सुने इनला ये रिचुअल करने के बाद कहाँ डालते हैं? इंसानों के कब्रिस्तान में कहते हैं, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा जाते नहीं ना, और गए भी तो आदमी आ जाना है। मैं कुछ ऐसे भी वीडियोस देखा तो पानी के किनारे बहते हुए आ जाते, पानी में भी डालते अंदर यहाँ वहाँ गोरे निकाल कर क्या है ये बोल के खेल रहे हैं, उन लोग मालूम नहीं वो शहर के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चंद इनके क्रिश्चियन हीलर्स या इनके जो भी हीलर्स है ये लोग जाके मैजिक अनवील करते। तो ये लोग देखो कहाँ on a mission, mission of unfolding. What we found and what we saw. सहर इनके हिसाब से ये देखो पहाड़ों में पहाड़ों के बीच से usually ऐसी जगह डालना जिधर दिखता नहीं, पहाड़ों के अंदर यहाँ वहाँ 100 objects buried as part of a hexing ritual. Oh my God, look at that. That's unbelievable. जितना सड़ा हुआ उतना गलीज इनका मैजिक। My God. Oh. Casting a spell over someone. This is got the garlic that somebody used to clean themselves. They put some a belonging of the person that they want to cast a spell over. सुने क्या बोला उन्हें? जो इंसान खुद को मतलब चीज से साफ करता, वही चीज को यूज़ करके वो इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा। This is all. Most of it is black magic, though. Most of it is क्या? पूरा ही छे। और रही बात। Is it evil? Break up marriages or break up relationships or to bring people together or more nefariously to kill people and end people's lives. Whoa. That was a horrible thing. Jeez. Pins, the healers felt they had to take out jars, lemons, pins, dolls, blood, kale janwar, bahut cheezan use karte hain. Mar apna sirah yahan protection leke wazu mere ke sab cheez karte in log directly malum. अब ये लोग तो है नहीं इस्लाम कराखी, तो ये हीलर्स की क्या होती कि बाद महलत इन्ला तो प्रोटेक्शन भी नहीं है। खोल तो दे रहे इंसान को सुकून तो हो जाएगा उससे इंशाल्लाह, मगर इन्ला क्या करते हैं? I became physically ill. I was ill. देखे? And everybody felt badly in one way or another. इन्ला कुछ पत्ता चला के अपने अतराफ डाल लेते मालूम यूजुअली। The healers felt their spirits were in jeopardy. Dr. Zavaleta suspended his disbelief and agreed to be cleansed. ये Christian side of राखी है शायद। मालूम ये सहर वगैरह इतना dangerous रहता कि बस time इंसान बीमार पड़ते रहता, और बीमार पड़ने के बाद ये लोग clinics जाते, hospitals जाते, पर कुछ भी नहीं रहता। Test लेते, reports clear निकलते, clear निकलने के बाद लोग परेशान होके रास्ते से भटकते, अरे कुछ हो गया, असरात आ गया, हो गया, बाबा करने जाएंगे। यहाँ से अगर कोई अच्छे राखी मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते, नहीं अगर किसी गलत बाबा के हाथ में चले गए ना, पहली चीज़ लूटे जाते हैं, दूसरी चीज़ ये वो चीज़ों शहर में और पढ़ते वो लोग, क्योंकि इन लोग शैतानों से डील करते रहते हैं, मैजिशियंस रहते हैं। और रही बात ये पोल्यूशन, पानी, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर की वजह से लोगों को ना
हेड थिनिंग बहुत होती है। हेड थिनिंग हो रही तो आप ये एक अच्छा प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हैं जिसका नाम है माई फेव का एंटी थिनिंग सीरम। इसके अंदर तकरीबन 10 पावरफुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ये चीज आपके हेयर फॉल को रोकती है और आपका जो है ना बालों का वॉल्यूम इंक्रीज करती है। और सिंस ये ऑयल बेस्ड नहीं है तो आपको टेंशन नहीं है, सुबह में रात में आप यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यूज करने का आपके मतलब बाल एकदम ऑयली नहीं हो जाते, जैसा तेल लगाए तो ऑयली ऑयली हो जाते ना। इसका यूज करने का तरीका बहुत आसान है, आपको बस चंद खतरे लेना है ये सीरम के और अप्लाई करना है आपके स्कैल्प पे, बालों पे नहीं आपके स्कैल्प पे जिधर आपकी थिनिंग हो रही है, और जेंटली मसाज करें इसे चंद वक्त के लिए अपने स्कैल्प पे। और सबसे बेस्ट टाइम इसको यूज करने के लिए आपके नहाने के बाद या तो सोने से पहले का है। माई फेव सीरम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में मेंशन और पिन टू टॉप कमेंट में भी रहेगा, वहां से आप जा सकते इसे ट्राई आउट कर सकते, बहुत बजट में है, तो गो चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ वी विल बी बैक टू द शेयर वाला वीडियो। ये रुकियार सर्विसेज यूनाइटेड किंगडम के, पता नहीं यूनाइटेड किंगडम में बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ कि लोग परेशान रहते हैं, अपने इंडिया में भी टक्कर पे, मगर डिगिंग इन फ्रंट गार्डन फॉर द बरीड सेम, इसकी स्टोरी आपको एंड में बोलता हूँ। ये राखी है, ये राखी घर के अंदर से कुछ शहर निकाल रहे, देखते जाओ क्या निकाल रहे। फुल प्रोटेक्शन है, ग्लव्स व्लव्स लगा लेके, वजू वजू में रह के, अस्कार वगैरह कर ले गए। अपने इंडिया के घरों में भी टक्कर पे रहता है, ये गार्डनों में डालते, छज्जों पे डालते और एंट्रेंस में दरवाजों पे लटकाते हैं। ये तो पॉट फूट गया, लोगों ने बंद रखा। दिस इज द लेमन, या देखते जाओ आप लोग, एंड में स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट वी हैव सीन हियर, it is the pot that the magician asked them to use with some black lantern inside. We see the lemon. नींबू है वो, नींबू के ऊपर पिंस मारे गए। ये देखो, come close, and here we see the hair. Yeah, that's the hair. So here we see the hair. So all this, it's a ritual of magic. As you can see, that was the hair of the patient of the person. Patient ka baal dala hua hai andar. So basically, they've been asked to have this pot. Patient ka bed hai. Powder found under the patient's pillow. Patient ka haath. Scars. आप लोग स्टोरी बोलता हूँ मैं। ये जो लड़की थी, पेशेंट थी ये, पता नहीं इसको क्या चीज़ से तकलीफ हो रही थी, तो ये लोग कोई ऐसे ही बाबा कहने चले जाते, हीलर, स्पिरिचुअल हीलर जिसको बोलते हैं, तो स्पिरिचुअल हीलर इन लोग को कुंडे और ये सब चीज़ें देके बोलता है कि घर के अंदर बाहर जिधर भी है वो जो भी लोकेशन बोला वहाँ पे गाड़ दो, इसकी तबीयत और ठीक हो जाती है। तो उल्टा देखेगा तो और बदतर हो रही थी, और इन चीज़ों को जब ये राखी जेन्युइन राखी आके निकलते तो पूरा ब्लैक मैजिक निकलता। फिलहाल सोचते नहीं होंगे, दीन इतना पाक साफ है, जो ये बाबा दे रहा इतनी गंदे की चीज कैसा दे रहा, हम गाड़े भी कैसा, लोग कॉमन सेंस की उसने यूज करते हैं। As we know, this is the common practice in the voodoo. Check here as well. अरे वुडू मैजिक है। As you can see, there is another needle, so there is needles. So they're trying to create like sort of voodoo, like they do the voodoo door sihr, أعوذ بالله, but it's in the line. All this, it's practice of sihr. For your information, that the person who the patient and her family seen, he was hidden under the name of Maulana. He was hidden under the name of Maulana. So you will think it's Maulana, but in fact he's a magician. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. So we have to put everything that we found in the Ruqya water, as you can see here. So if you find any stuff like this and you cannot get a hold of trusted Raqi, you can prepare your Ruqya water and put all the sihr in the water, all what you found, you have to put it in the water. क्या बोलना, अब अपने लोग ही लाइन बना के फेक हीलर्स के बाहर ठहरे हुए रहते, कोई अच्छे भी राखे के आ गए तो भाई जल्दी करो ये क्या है बोलते। तो अल्लाह वालम ऐसा स्टेट है अपना, अभी ये हालत है अपने लोगों की, अल्लाह हिदायत दे। जब लोगों को घर से बाहर निकलने में भी मुश्किल हो रही है, ऐसे में ये सन्यासी आपके बीचों बीच बैठकर तप कर रहा है। फुल असरात भरे तो है ही,
सर पर भी दहकते अंगारों से भरा मटका रखा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाह। एक सन्यासी है, जादूगर है। देखो इन लोग का एतराब, देखो ये क्या है और हर ये मैजिशियन ये जो जाके कर रही है क्या क्या है। इन लोग के पास, इन लोग के कस्टमर अभी मालूम कम इल्म वाले रहते, नहीं तो पता नहीं जो दुनिया में परेशान है उन लोग कुछ भी हल चाहते उनके परेशानी का, और उन लोग को सही रास्ता पता नहीं कि किसके पास जाना क्या करना, तो वो लोग ऐसे लोगों के हाथों में गिरते हैं। और इन लोग हाँ तो शायद इनको यूज़ करके या उनको खुश करके लोग घटिया घटिया काम करते हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे के वीडियोस देखे तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये तो थोड़े बहुत इंडियन सो कॉल्ड सन्यासी है। ये देखो और एक ब्लैक मैजिक करके एक नकली बाबा, इनके दो असिस्टेंट्स, ये निजाम टाइम में जो खजाना छुपा हुआ ये निकालने के लिए वो कोशिश कर दी। निजाम के वक्त पे जो खजाना भाई जमीन में है उसको निकालने के लिए मैजिक यूज करने का। अरे ये गोलकुंडे में बहुत सुना हुआ है, निजाम टाइम में जो खजाना वहाँ छुपा हुआ ये हम निकालते हैं, ऐसा धोखा देके उनको ज्यादा पैसा ले। अभी पैसे नहीं ले रहे, ये कुर्बान वो कुर्बान करो इनके नाम पे, उनके नाम पे अपनी औलाद औलाद भी बोल देते हैं, पैसे से भी ऑडिशन रहते। वो जो भाई वो जो है उन्होंने कौन है ना, नहीं नहीं जो खोद दाढ़ी वाले, क्या क्या बोल के खोद रहे आपका नाम, क्या बोल के खोद रहे बोलो भाई, क्या बोल के खोद रहे, ऐसे कुछ होता होगा और खोद रहे। कौन बोले अंदाजा कौन बोले आपको, आपको जो मालूम है मालूम, जो नहीं मालूम कौन कुछ क्या होगा बोल के खोदे होंगे, कुछ भी निकलता होगा समझ के खोदने, कैसा अंदाजा अली ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कुछ है बोले जैसा ऐसा डाउट आप लोग, वो कैसा हुआ भाई, सॉरी बोलो कुछ मिलता होगा बोल के खोदे, कौन बोले इनको यहीं पे मेहनत नहीं भाई, ये छूचा कर लो नीचे से निकाल लो फुल ट्रेजर, उसके बाद ऐश ऐश चलने दो यारो। ये है भाई हैदराबाद में, ये बामा को मान रहे आई एम ए डिस्को डांसर, उसके कपड़े देखो भाई डिस्को डांसर के, ऐसे डिस्को बामा को भाई बाबा मान के शिवा मिलेंगे बोले तो कहाँ से होगा यारो लोगों का। देखो पुलिस वाले मजाक बना के रखे यारो हंस लेते हुए, इन लग क्या तुम्हारे को ठीक करेंगे यारो, من التحلل وعوامل التعرية الآن هو يوضع يلف ثم يوضع في وسط هذه العلبة ثم يوضع عليه الحجارة فيه والله كيد ساحر। माई फेव सिरम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में मेंशन और पिन टू टॉप कमेंट में भी रहेगा, वहां से आप जा सकते इसे ट्राई आउट कर सकते, बहुत बजट में है तो गो चेक आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।